जिस दुनिया में मेरी बहन को शांति नहीं मिली, उस दुनिया को मेरे जीते जी शांति नहीं मिल सकती। हेलो विनोद साहब। हाँ मैं विनोद बोल रहा हूँ। विनोद जी, मैं अंजलि बोल रही हूँ, वो मेरे पीछे पड़ा है, आप जल्दी से आ जाइए, उसने मेरे माँ बाप को मार डाला है। जब तक तू जिंदा है उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। कौन कौन है तुम? कौन है तुम? मैं भी इसी लाश की बात कर रहा हूँ। ये लाश उस आदमी की है जिसे आज से ठीक 8 दिन पहले आपने खुद मार डाला था। डीआईजी साहब जरा रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। देखिए, दुनिया की कोई भी पुलिस किसी भी गोली से अमावस की रात के हथियारे को नहीं मार सकती। तो आपने मुझे मेरा काम बताने के लिए रोका। तू यहाँ क्यों आया है? तुझे समझाने। तूने अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया और उसका नतीजा भी देख लिया। मामला अगर लाश और मौत का ना होता तो मैं सिर्फ इतना ही कहता कि डीआईजी साहब आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। कम ऑन डॉक्टर, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? साहब साहब साहब, यह बचकानी बातें नहीं है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हमने उसकी कब्र खोदी थी। वो तो ठीक है सुनील, मगर मैं तुमसे यह पूछ रहा हूं कि तुमने अपने हाथों से उसकी कब्र बंद की थी या नहीं? सोच रहा हूं कि अगर ये वही लाश है तो इस उलझन को सिर्फ एक ही आदमी सुलझा सकता है। ताज्जुब तो इस बात का है कि इस पुरानी लाश में आज की ताजा गोलियां भी मौजूद हैं और पुरानी गोलियों के निशान भी। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम सबको इस भट्टी तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। ओ माय गॉड, सचमुच इसमें हरकत हो रही है। इनको बेकसूर कह रहे हो? उनको जिन्होंने मेरी बहन पर अत्याचार किए थे, या उस डीआईजी को जो मेरे बेटे को जलाना चाहता है? लेकिन मेरी समझ में बात आ रही है, आज सूरज उगने से और सूरज ढलने तक मेरे पास 12 घंटे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 90 के दशक के शुरुआत में निकली एक बी ग्रेड हॉरर मूवी अमावस की रात की। इस फिल्म के निर्देशक थे जाने माने बी ग्रेड हॉरर मूवी निर्माता मोहन भाकरी साहब, और फिल्म के निर्माता थे विनय मल्होत्रा। फिल्म के कहानी मोहन भाकरी साहब ने खुद लिखे थे। फिल्म में किरण कुमार, जावेद खान, मधु मल्होत्रा, कुनिका सदानंद, राकेश बेदी, जगदीप, हुमा खान और मयूर वर्मा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय हेंचमैन और फाइटर मानिक ईरानी को इस फिल्म में शैतान के भूमिका में देखा गया था। इस फिल्म से पहले भी मानिक ईरानी 1989 में रामसे ब्रदर्स की सुपरहिट हॉरर फ्लिक पुरानी हवेली में मॉन्स्टर के किरदार में नजर आए थे। रामसे ब्रदर्स के तहखाना फिल्म का शैतान और मोहन भाकरी के खूनी महल फिल्म में शैतान के किरदार निभाने वाले शमसुद्दीन इस फिल्म में एक हेंचमैन के कैरेक्टर में नजर आए थे। अमावस की रात की कहानी 1980 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म फ्राइडे द 13th की कहानी से काफ़ी हद तक प्रभावित थी। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक वीराचारी सिद्ध पुरुष जिन्होंने अपनी पत्नी नंदा को तंत्र विद्या और हठयोग में इस विश्वास के साथ प्रशिक्षित किया था कि उसकी पत्नी भी इस तंत्र का उपयोग समाज और लोगों की
भलाई के लिए करेगी। लेकिन एक दिन अचानक नंदा को खबर मिलती है कि उसकी बहन सुनंदा, जो उसके मर्जी के खिलाफ जाकर एक आदमी से शादी रचाई थी, वो 7 महीने की गर्भवती है और उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। इसलिए समाज अब उसे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है और इसके वजह से वो अवसादग्रस्त या डिप्रेशन में चली गई है। जैसे ही ये खबर नंदा को मिलती है तो वो तुरंत अपनी बहन सुनंदा के पास पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनंदा अपनी बहन नंदा की गोद में ही अपनी आखिरी सांस लेती है। तब नंदा समाज से नाराज़ हो जाती है और उसने अपने तंत्र विद्या से अपनी मृत बहन के गर्भ से 7 महीने के अजन्मे बच्चे को जन्म देने का फैसला लेती है। नंदा का इरादा था कि ये बच्चा बड़ा होकर समाज से अपनी माँ पर हुई अन्याय का बदला लेगा। ये जानने के बाद नंदा के पति वो बिराचारी तांत्रिक अपने पत्नी को चेतावनी देता है कि तंत्र विद्या और हठ योग का उपयोग समाज और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके भलाई के लिए किया जाता है, और अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये काम तंत्र विद्या की नैतिकता या नियमों के विरुद्ध है। इसलिए ऐसा करने से वो पैदा होने वाला बच्चा शैतान का प्रभाव से जन्म लेगा और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन नंदा ने अपने पति की चेतावनी पर ध्यान नहीं देती है और 13वीं अमावस की रात को अपनी चमत्कारी शक्ति और ब्लैक मैजिक के मदद से अपने बहन की मृत शरीर से उसकी 7 महीने के बच्चे को जन्म देता है। इसके बाद वो तांत्रिक पुरुष उसके सलाह को अमल ना देते हुए गलत काम करने के कारण नंदा के साथ छोड़कर चला जाता है। आखिरकार वो तांत्रिक का डर ही सच होता है। समय के साथ साथ वो लड़का एक जवान और एक खून का प्यासा पागल हैवान बन जाता है। हर अमावस की रात वो मौत का फरिश्ता बनकर सड़कों पर घूमता है और जो भी निर्दोष लोगों को अपने सामने पाता है उन्हें वो बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। इसके बाद जब स्थिति बहुत नाजुक और गंभीर रूप धारण कर लेता है तो पुलिस घटनाओं के पीछे असली दोषी को पकड़ने के लिए सक्रिय हो जाता है। घटना की जांच करने के लिए DIG विनोद सक्सेना इलाके में आते हैं। इलाके के कमान संभालते ही उन्हें सबसे पहले ये एहसास होता है कि हर कत्ल अमावस की रात को ही हो रही है। इसके बाद उन्होंने अमावस की रात आम लोगों को घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए इलाके में माइकिंग के बंदोबस्त करते हैं और खुद ही अपराधी की तलाश शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर विनोद सक्सेना की बुद्धिमत्ता और बहादुरी के कारण वो हत्यारा पुलिस के गिरफ्त में फंस जाता है और पुलिस के साथ मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सक्सेना की गोली उस हैवान को मौत के घाट उतार देता है। फिर कहानी और भी भयानक मोड़ ले लेती है। तांत्रिक नंदा अपनी मृत बहन सुनंदा का बेटा, वो शैतान जिसे वो अपने बच्चे की तरह पाला पोसकर बड़ा किया था, उसकी मौत से क्रोध से पागल हो जाती है। बदला लेने की इरादा से उसने अमावस की देर रात वो पागल हत्यारे का लाश को कब्र से फिर से बाहर निकालता है। फिर वो अपने काले जादू और हठ योग की मदद से उस मृत शरीर को फिर जीवित कर देती है। काले जादू के प्रभाव से पागल शैतान फिर से जाग उठता है और पहले से भी अधिक भयानक और खौफनाक हो जाता है। उसका सारा गुस्सा DIG विनोद सक्सेना और उसके परिवार पर टूट पड़ता है। फिर उसने एक एक कर DIG के चाहने वाले और करीबी को बड़े ही बेरहमी से कत्ल करना शुरू कर देता है। एक तूफानी रात में उस शैतान का पहला शिकार बनता है DIG विनोद सक्सेना की बहन अंजलि और उसका प्रेमी। बाद में वो DIG के भाई सुनील सक्सेना की पत्नी सीमा सक्सेना के सामने मर्दूत बनकर हाजिर होता है
और फिर उसका हमला का निशाना बनता है सुनील सक्सेना खुद। दोनों ही मामले में डीआईजी विनोद समय पर पहुंचकर उन्हें बचाने में कामयाब होते हैं और हत्यारा फिर से उनके गोलियों का निशाना बन जाता है। लेकिन उस लाश के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने विनोद को बताता है कि लाश उसी व्यक्ति का है जिसकी 8 दिन पहले डीआईजी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके शरीर पर पुराने और नए दोनों गोलियों के निशान पाया गया है। इसी बीच नंदा के काले जादू के प्रभाव से वो मुर्दा हैवान अस्पताल के मुर्दा घर से फिर जाग उठता है और कहर बरपाने लगता है। इस बार डीआईजी को एहसास होता है कि ये शैतान सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर वो सिद्ध योगी पुरुष इन सारे भयानक घटनाएं और उनके अंजाम से काफ़ी दुखी और व्यथित होते हैं और खुद वो जाकर डीआईजी सक्सेना से मिलते हैं और कैसे उस शैतान का खात्मा हो सकता है ये तरकीब उन्हें बताते हैं। वो तरीका या तरकीब क्या है और क्या डीआईजी विनोद सक्सेना इस तरीके से उस साइको किलर मुर्दा हैवान को ख़त्म करने में कामयाब होता है, ये जानने के लिए आपको मोहन भाकरी द्वारा निर्मित हॉरर फिल्म अमावस की रात देखनी पड़ेगी। फिल्म की संगीत निर्देशक उषा खन्ना थी और फाइट कंपोजिटर थे मोहन भगत। इस फिल्म में बहुत सारे 1:1 फाइट है। जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी साहब द्वारा लिखे इस फिल्म के दो गीत सुनने में तो बहुत अच्छा ही लगता है। फिल्म के लाइट्स एंड शेड्स का काम, कैमरा वर्क और हॉरर सीक्वेंस काबिले तारीफ है। मोहन भाकरी के बाकी फिल्मों के मुकाबले फिल्म अमावस की रात में हैवान या शैतान का मेकअप कुछ अच्छा था, क्योंकि मानिक ईरानी का लुक ऐसे ही थोड़ा भयानक है। अगर आप हॉरर फिल्म के शौकीन हैं तो आप फिल्म अमावस के रात ज़रूर देख सकते हैं। फिल्म बी ग्रेड है, लेकिन आपको ये फिल्म देखने में अच्छा लगेगा।